तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि महिला कौन खरीद लिए जाते थे। अभी वैसा पल्लवी कैसे लोग विकास करें कि पल्लवी प्रदर्शनी आरा को डिजिटल आरा बना सकती हैं, स्मार्ट शहर की तरह बना सकती है। आखिर आपने ऐसा क्या किया या क्या तजुर्बा है या फिर राजनीति अनुभव क्या है, कैसे आप आरा नगर निगम को सुंदर बना नहीं है और कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। एक गृहिणी जो कहते हैं ना, एक गृहिणी भी अपने समस्या, अपने वार्ड की समस्या को आके आरा नगर निगम में रखेंगी। आज पल्लवी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मेयर का चुनाव और पहली बार आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। बताना चाहूँगा आरा नगर निगम चुनाव को लेके तमाम सरगर्मियाँ तेज है। आप देख रहे हैं तमाम प्रत्याशियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। चुनावी मैदान में बहुत नए नए चेहरे दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। और इस वक्त हम जिसके साथ बैठे हुए हैं पल्लवी प्रियदर्शनी, जिन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला चुनाव शायद इनका होगा और वो भी आरा नगर निगम के मेयर का चुनाव के लिए भावी प्रत्याशी हैं। जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगी और कैसे इनके मन में ख्याल आया कि आरा नगर निगम का मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए। कैसे हैं आप जी? नमस्कार, और आरा के सभी नगरवासियों को मेरी तरफ से सभी को नमस्कार है। अच्छा पल्लवी, जानना चाहेंगे ये चुनाव आपका पहला चुनाव जी? इसके पहले आपने कोई चुनाव लड़ा है? जी, मैंने जब अपने छात्र जीवन में कॉलेज का, जो कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव हमने लड़ा, और अभी नगर निगम के चुनाव का जो बात है तो महिला सीट, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि महिला कौन खड़ी है। मेरा यही ये है और आरा की तमाम जनता से यही पूछना है कि आप सोच समझ के, और बहुत ही एक अच्छा मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए ऐसा ये रखा कि पब्लिक वोट करेगा, और पहले तो वार्ड खरीद लिए जाते थे, अभी वैसा नहीं है। यह पब्लिक का डिसीजन होगा कौन हमारा मेयर बनेगा, और उनके द्वारा चुन के ला के वहाँ पर बैठाया जाएगा। तो उनको जो अच्छा लगेगा, अपने आरा शहर को किसके हाथ में देना है और कैसे अपने आरा शहर का ये हो, अब जनता के हाथ में है, उन्हीं को इसका निर्णय लेना है। पल्लवी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज चेहरा अब की बार चुनावी मैदान में है, तो वैसे स्थिति में पल्लवी प्रियदर्शनी का क्या लगता है, अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगी? जी बिल्कुल, और मैं इसीलिए आई हूँ। और महिला की जहाँ तक बात है तो मैं महिला हूँ, और हर जगह आप हमको जहाँ भी देखिएगा वो हर जगह पल्लवी आपको दिखती है, चाहे वो कहीं भी हो, या महिलाओं के बीच में हो, या फिर कहीं कार्यक्रम मंच, हर मंच पे आप मेरे को देखेंगे। तो मैं तो आई, और आरा के तमाम जनता, भैया भाभी चाची लोग से, सब लोग से मतलब यही आग्रह है कि आप लोग सोच समझ के, और बहुत ही एक अच्छा मौका मिला है, और सही निर्णय लेना है कि हमको किसको चुनना चाहिए। दिग्गज की बात है तो रियल में बहुत लोग हैं, वो सब नाम नहीं लेना है, बस यही आग्रह है कि सोच समझ के निर्णय लेना है कि किसको चुनना है और आरा को कैसे विकास, आरा के विकास के बारे में सोचना है। अच्छा, कौन विकास करे, पल्लवी कैसे लोग विकास करें कि पल्लवी प्रदर्शनी आरा को डिजिटल आरा बना सकती हैं, स्मार्ट शहर की तरह बना सकती है। आखिर आपने ऐसा क्या किया या क्या तजुर्बा है या फिर राजनीति अनुभव क्या है, कैसे आप आरा नगर निगम को सुंदर बना पाएंगी? जी बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं आरा नगर निगम को कैसे सुंदर बना पाऊँगी। पहले जनता मेरे को अपना अभी जो होता है बहुमूल्य ये दे के और हमको उस जगह पे लाए, और बहुत बड़े बड़े वादे तो नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आरा को डिजिटल आरा, जैसे आप बोले, और स्मार्ट सुंदर मैं बिल्कुल बनाऊँगी, और वो अगर समय आ गया तो आप लोग को बिल्कुल मैं दिखाऊँगी कैसे मैं बना रही हूँ। और हम जहाँ भी आज तक मतलब हर मोहल्ले में, हर वार्ड में घूम रहे हैं, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है, और ये सारे लोगों का ये है कि बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को आना जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो खुद से अपना निर्णय। अब मेयर से मिलना हो तो हमको 10 आदमी से ये करना पड़ेगा, हमको मेयर साहिबा का ये चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। वो चीज़ मेरे साथ नहीं है, हम जो हैं हम हैं, अभी आप हमको देख रहे हैं। वही पल्लवी जानना चाहेंगे, चूंकि अभी तो जो भी चुनाव लड़ रहा है, जितनी भी, चूंकि महिला ही सीट है तो महिला ही लड़ेगी, निश्चित तौर से आपकी भी लड़ाई किसी न किसी महिला से ही होगी, और सारी महिलाओं का कहना यही है कि नहीं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, यदि मेयर की जरूरत होगी तो मैं खुद आऊँगी, कहीं साइन करना हो या कहीं भी जाना हो मैं खुद अटेंड करूँगी। लेकिन होता क्या है कि सीट आने के बाद सारे लोग का कोई ना कोई प्रतिनिधि हो जाते हैं, तो पल्लवी प्रियदर्शनी भी कोई प्रतिनिधि रखी हैं या समय आने पर हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है?
जी बिल्कुल नहीं, और ऐसी मेरे साथ मतलब बोलते हैं ना कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है और कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। एक गृहिणी जो कहते हैं ना, एक गृहिणी भी अपने समस्या, अपने वार्ड की समस्या को आके आरा नगर निगम में रखेंगी। आज तक जो आरा नगर निगम का माहौल था, हम लोग समाज में रहते हुए भी आज तक आरा नगर निगम में कदम नहीं रखे थे, और ऐसा वो माहौल बनेगा आरा नगर निगम का कि एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ भी आके अपनी बातों को वहाँ रख सकती हैं, और वैसा ये बनाया जाएगा नगर निगम का। अच्छा पल्लवी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मेयर का चुनाव और पहली बार आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा? बिल्कुल नहीं, मेहनत करने वाले के लिए कोई चीज़ ये नहीं होता है, और हम तो आरा की तमाम जनता को बहुत अच्छा ये दिए हैं। अब बाकी जनता के हाथ में वो क्या निर्णय लेते हैं, और रिजल्ट जो होता है ना आ गया तो फिर आप लोग को दिखाते हैं कि हम कैसे ये कर रहे हैं। और हमारे प्रतिनिधि कोई नहीं होंगे, हमसे मिलने के लिए आप डायरेक्ट आके मिले, वो छोटे बड़े कोई भी इंसान हो, महिला पुरुष सभी के लिए ये है, और मेरा यही ये है। अच्छा पल्लवी, जानना चाहेंगे क्या एजेंडा है आपका, क्या लगता है क्या क्या कमी आपको आरा नगर निगम में दिखी? यदि आपको लोग चुनाव आरा नगर निगम की जनता शायद आपको वोट दे देती है और आप मेयर बन जाती है, तो आपने क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है? जी बात रहा तो सबसे पहले आरा नगर निगम में जो नली गली रोड की समस्या, पानी लगना, मच्छर का समस्या, जिससे हर महिलाएं परेशान है, खाना बनाने में भी उनका जो होता है ना कि मन लगना वो चीज़ नहीं होगा, बच्चे पढ़ रहे हैं उस टाइम भी मच्छर काट रहा है, तो सारे जगह ये बहुत बड़ी समस्या है। और बात रहा जहाँ तक कि आरा को सुंदर कैसे बनाया जाए, स्वच्छ, तो जहाँ भी नगर निगम का जिस वार्ड में जगह हो वहाँ पर एक अच्छा पार्क का ये किया जाएगा। वैसे विद्यार्थी जो अभी ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं किसी मजबूरी के कारण, वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, बड़े बड़े लाइब्रेरी का ये किया जाएगा। और जो हमारा मेन समस्या है रोड नली गली, देख ही रहे हैं क्या बरसात आते ही हमारा रोड लगता है कि एकदम दरियाव बन जा रहा है, तो उस चीज़ से कैसे निजात, वो सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि रोड नली गली मच्छर की समस्या को पहले दूर किया जाए, और आरा को कैसे सुंदर स्वच्छ बना के रखना है, वही सब हमारा ये है। अच्छा पल्लवी, ये जानना चाहेंगे चूँकि अपने नाम के बाद प्रियदर्शनी लगाया है, बहुत सारे लोग पांडे लगाते हैं, तिवारी, जादव, सिंह या और सब अपना टाइटल दिखाते हैं, इससे जाति सूचक बोध होता है कि नहीं मैं फलाने जाति से हूँ, तो चुनाव में जाति को अट्रैक्ट करता है लोग वो शब्द लगा से, मैंने जो टाइटल लगता है, तो आप तो पल्लवी प्रियदर्शनी रखी है, इससे तो पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी जाति क्या है, तो वैसे स्थिति में यदि जाति सूचक चुनाव हो गया, कहीं जाति कार्ड लोग खेलता है, तो फिर पल्लवी उसमें अपने आप को कहाँ देखेगी? जी हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, और जाति पाति से हम ऊपर उठ के काम करते हैं, हम सारे लोगों से और सारे लोगों के बीच में जाके बैठते हैं, हमको जाति पाति से कोई ये नहीं खेलना है। और जो कहते हैं ना कि हर वर्ग के लोग के साथ जाके मेरा उठना बैठना, हर मंच पे हम जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ नहीं जाएंगे। आज तक मेरे ऊपर ना ही कोई मेरा ऐसा प्रतिनिधि होगा जो मेरे को ये करे कि आपको यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये हमारा अपना ये है। और हम जाति पाति पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम जाति पाति से ऊपर उठ के सोचते हैं, हमारा यही है। क्या मैसेज करना चाहेंगे हम? मैसेज यही करना चाहेंगे कि बहुत कम समय है एक प्रतिनिधि के लिए, तो बहुत कम समय है, और जनता आरा की जनता से, चाचा भैया चाची सब लोग से यही आग्रह बा कि सोच समझ के निर्णय लेवे के बाद आरा के आरा बनावे के होइता, ना तो फिर से आरा के उहे नर्क बनावे के होइता, रवा सबे देख लेम जा, और जाति पाति से ऊपर उठ के सोचे के बा, और एजे के जन्मल एजे के बेटी हैं, रवा सबे के बेटी हैं, रवा सबे से आग्रह बा कि एक बार हमरा के मौका दी जा, और अवश्य हम जीत के आवतनी तो रवा सबे के दिखाएं कि आरा के कैसे एक सुंदर आरा, स्वच्छ आरा, सुंदर आरा हम बनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे थे पल्लवी प्रियदर्शनी है, पहली बार नगर निगम का चुनाव, वो भी मेयर का चुनाव लड़ रही है, ज़बरदस्त मुकाबला तो होगा ही, चूँकि बहुत बड़े बड़े चेहरे आप लोग को देखने में आ रहे हैं, निश्चित तौर से किसी की राजनीति पकड़ बहुत अच्छी है, तो कोई बहुत पहले से नगर निगम में अपना वर्चस्व कायम रखा है या जिसको अनुभव बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस अनुभव में और इस बहुत बड़े महासागर में कैसे पल्लवी सर्वाइव कर पाएगी तो समय बताएगा। हालांकि इस बार सबसे बड़ा हीरो वही है जो जनता के बीच में रहा, चूँकि अब की बार जनता सर्वोपरि है, जनता जिसको चाहे हीरो बना दे और जिसको चाहे जीरो बना दे, हालांकि वक्त वक्त की बात है, ये तो समय बताएगा कि जनता किसको अब की बार मेयर बनाती है,
आरा नगर निगम का महापौर कौन बनेगा ये तो जनता बताएगी, लेकिन जिस तरह का जुनून और जिस तरह का आत्मविश्वास पल्लवी प्रदर्शनी में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि लड़ाई और रोमांचक होती जा रही है। हालांकि समय बताएगा कि कौन मेयर बनता है। देखते रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।